नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। दोस्तों, बार बार आप लोग पूछते थे कि भैया वोकैबुलरी को करने का सही तरीका क्या होता है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली वोकैबुलरी के लिए है जो SSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। और आपने देखा होगा चाहे CGL हो, CHSL हो, CP हो, CPO हो, प्री हो, मेन्स हो, सब में पूरी वोकैब जो है उसका 25% इंग्लिश में वेटेज रहता है। 25% मतलब आपका आधा 1/4 जो पेपर है वो वोकैब पे बेस्ड होता है। तो दोस्तों, वोकैब कैसे करना चाहिए और उसको किस तरीके से करना चाहिए, वोकैब में क्या क्या आता है, आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, वोकैब में जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं आपकी एंटो, सिनो, ईडियम, बनवर्ड और स्पेलिंग। ये पांच चीज़ें जो है ये आपकी वोकैबुलरी में आती है। सबसे पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, वो ये करना है कि आप सबसे पहले जो फोकस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे। मेरी जो टारगेट सीरीज चलती है उसमें मैं किरण और पिनाकल दो किताबों की वोकैब करवाता हूँ। और सबसे पहले आपको करना भी यही है कि जितनी रिसेंट में प्रीवियस ईयर वोकैब आई है 2017 के बाद से, वो 5 साल तक की सारे पेपर्स की CPO, CGL, MTS, स्टेनोग्राफर सारी वोकैब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले वो कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ वोकैब किस तरीके से पढ़ी जाती है। कि सबसे पहले अगर आज आपने पढ़ना चालू किया है तो आप 5 एंटो कर रहे हो, अगर 1 से 5 सिनो कर रहे हो, तो कल जब आप 5 से 10 तक के एंटो सिनो पढ़ेंगे तो पहले आप 1 to 5 तक के एंटो सिनो रिवाइज करेंगे। मतलब 10 दिन बाद जब आप 45 से 50 तक के एंटो सिनो कर रहे होंगे तो आपके 1 से 45 तक के एंटो सिनो 10 दिन 10 बार रिवाइज हो चुके होंगे। तो दोस्तों, ये तरीका होता है वोकैब को रटने का। दूसरी चीज़, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भैया ऑप्शंस भी याद करने का है। ऑप्शंस नहीं याद करना है दोस्तों, वोकैब में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है वो और उसका जो आंसर है। जैसे अगर सिनो पूछा है तो जो वर्ड दिया उसका सिनोनिम सिर्फ इतना याद करें, बाकी 3 ऑप्शन पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जब आप वोकैब करना स्टार्ट करोगे और 1 से लेकर 600 तक की वोकैब में जब आप लास्ट तक पहुंचोगे 800 तक, तो आप खुद देखोगे कि आपने पहले क्वेश्चन के जो 3 ऑप्शन छोड़े थे वो आखिरी में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि SSC जो है वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस बार बार पूछती है ऑप्शंस के बेस पे, और सिनो एंटो में ये बहुत बार देखा गया है। तो वोकैब जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर करना है। किरण की किताब उठा लें, उसमें प्रीवियस ईयर वोकैब आपको मिलेगी, उस प्रीवियस ईयर वोकैब को अच्छे से करें। प्लस इसके साथ में अगर आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, आप ग्रेडअप के क्विज अटेम्प्ट करते हो, टेस्ट बुक के क्विज अटेम्प्ट करते हो, डेली क्विज अटेम्प्ट करते हो, या मॉक में आपको अगर कोई नई वोकैब मिलती है, कोई नया आइडियम मिला है, तो उसके लिए कॉपी बनाएं, उस वोकैब को उसमें नोट करें, और उस वोकैब को उसमें नोट करने के बाद में वो जो पर्टिकुलर वोकैब है उसको आपको बार बार रिवाइज डेली करना है। क्योंकि वोकैब दोस्तों रिविजन मांगती है, आपको वो तभी रटाएगी जब आप उसको बार बार कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, ये था वोकैब के ऊपर एक कंटिन्यूस पर्टिकुलर सेशन जो आपको पता होना चाहिए। वन वर्ड और ईडियम इजी होते हैं याद करने के लिए, वो ये लोगों को याद हो जाते हैं, लेकिन एंटो सिनो में दिक्कत आती है। हालांकि अभी रिसेंट में देखा गया है कि SSC ईडियम्स और वन वर्ड भी जो है वो बहुत अच्छे पूछ रही है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर रिसेंट TCS के जो वोकैब है उसकी कंपाइलेशन की वीडियो डाली हुई है, आप जाके चेक करें। और आपको अभी मेंस के लिए भी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैब पर फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से पिछले 2 साल के वोकैब अभी आपको कंटिन्यूसली 17 दिन जो बचे हैं उसमें बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था वोकैब के ऊपर एक सेशन। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। द वर्सेटाइल मेंटर टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जुड़े। अपना ध्यान रखें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।